दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योनो का जो लॉगिन करते हो और यहाँ पर लिख के आता है योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड लिख के आता है, तो इसको आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये क्यों आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गलत एंटर कर देते हो अपना एम पिन और अपना पासवर्ड, अगर आप गलत एंटर करते हो या फिर यूजर नेम को गलत एंटर करते हो तो दो बार चार बार उसके बाद आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। उसको अनलॉक करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो वहां पर भी आप अगर अपना यूजर नेम या फिर पासवर्ड का गलत एंटर करोगे तो दोस्तों आपका अकाउंट को लॉक किया जाएगा। तो दोस्तों उसको अनलॉक करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अपना योनो एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। योनो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना एम पिन को एंटर करना है जो आपको मांगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं यहाँ पर एम पिन एंटर करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अपना एम पिन को एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर एम पिन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपअप विंडो में लिख के आ चुका है योर एक्सेस हैज बीन लॉक। इसको अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है टू अनलॉक द एप्लीकेशन काइंडली फॉलो द प्रोसेस बाय क्लिकिंग अनलॉक। यहाँ पर आपको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में अनलॉक लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आप अपना एटीएम कार्ड और एटीएम पिन के जरिए भी यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो एक्सेस के लिए। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम है और प्रोफाइल पासवर्ड आपको मालूम है उसके जरिए भी कर सकते हो। तो हमारा यूजर नेम मालूम है और प्रोफाइल पासवर्ड मालूम है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना यूजर नेम को एंटर करना है और उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड को एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और प्रोफाइल पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो नीचे आपको एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सेट योर नियो INB या फिर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड लिख के आएगा। यहाँ पर आपको नया वाला एक पासवर्ड बनाना है जो आपका लॉगिन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग में या फिर योनो एप्लीकेशन में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड मोस्ट बी कंटेंट लिखे आ चुका है और यहाँ पर आपको जो जो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड एक बना के दिखा देता हूँ और पासवर्ड आपको एंटर न्यू पासवर्ड लिखा है वहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो री एंटर न्यू पासवर्ड लिखा है वहाँ पर भी अपना पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पासवर्ड को एंटर करने के बाद सिंपली यहां पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो SBI बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP जाएगा और उस OTP को दोस्तों यहां पर आपको एंटर करना है। और OTP को एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस अनलॉक लिख के आ जाएगा और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव सक्सेसफुली अनलॉक योर एक्सेस प्लीज लॉगिन विथ योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड लिखे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपने बनाया होगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो आपने नया वाला पासवर्ड बनाया होगा उसको आपको एंटर करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यूजर नेम और नया वाला पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली दोस्तों अपना मोबाइल से। सिंपली आपको अपना यूजर नेम का जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पता होना चाहिए या फिर आपके पास ATM का जो कार्ड नंबर है और ATM पिन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि कैसे आप जो लॉक प्रॉब्लम को अनलॉक कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में जो आप मैंने सारी जानकारी दिया सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, तो फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।